सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और गाइज आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ एकदम धांसू की बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। सो अगर अभी आप ट्रिक को जानना चाहते हो तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अभी देखते हैं कि वो वाली ट्रिक्स कौन सी हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सो ट्रिक नंबर फर्स्ट में क्या है गाइस, आपको मतलब कि मैच स्टार्ट होते ही आपको मतलब रस करने नहीं जाना है कि आप जैसे कि मैच स्टार्ट हुआ नहीं कि आप तुरंत रस करने चले गए। ऐसे कि होता क्या है ना कि अगर आप तुरंत रस करने चले जाते हो तो आपका जो कि मैच होते हैं बहुत ही ज़्यादा डिफीट मतलब बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आप मैच हार जाते हो, आपके मतलब मैच हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग आपका जैसे मैच स्टार्ट हो तो आप मतलब तुरंत रस करने मत जाओ, ऐसा मत किया करो। आप पहले अपने कवर करो, कैप्चर करो पूरे एरिया को कैप्चर करो, फिर आप धीमे धीमे रस करने जाओ। जब आपका कुछ पॉइंट्स हो जाएं फिर रस करने जाओ। ओके सो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो सेकंड ट्रिक में गाइस क्या है, आपको मतलब कि किसी चीज़ के कवर में रहना है और मतलब किसी चीज़ को कवर में अपने रखे रहना है कि ताकि आपको कोई मैक डिस्ट्रॉय ना कर पाए। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो मैं इसके कवर में हूँ तो मुझे कोई मैक भी मतलब कुछ भी एक भी मुझे बुलेट्स नहीं लग रही हैं। सो आपको ऐसे करना है कोई भी मैक आ जाए आप उसको इजीली से डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ये आपकी सभी मैचेस में हेल्प करेगा। आपको मतलब किसी भी चीज़ की आपको कवर में रहना है सो आप इससे आसानी से बच सकते हो और मैच को तो वेरी बहुत ही ज़्यादा यार इजीली से विन हो सकते हो। अभी देख सकते हो यार मैं कैसे कवर में हूँ, सो आपको ऐसे ही करना है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सो गाइस जो कि हमारे थर्ड नंबर ट्रिक में क्या है, आपको करना क्या है कि आपको अपने केवल एक ही मैक का अपग्रेड नहीं करना है, आपको कम से कम आपके जो कि हैंगर्स में होते हैं ना तो आपको अपने हैंगर्स में कम से कम यार मतलब कि मान के चलो यार तीन मैक के आपको अपग्रेड तो करके ही रहना है, तीन अपग्रेड मैक के और वेपन्स के तो ऐसे आपको अपग्रेड करके रहना है कि अगर आपका बाई चांस कोई मैक डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो आपका सेकेंड मैक उसको मतलब मैचेस को विन कराने में आपकी हेल्प कर दे। नहीं तो यार अगर आपको केवल एक मैक का ही अपग्रेड करते हो और फिर वो अगर कोई मैक उसको डिस्ट्रॉय कर देता है कोई प्लेयर तो आपके मैचेस मतलब जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो इससे आप बहुत ही जल्दी बैटल को हार जाते हो। सो ऐसा मत किया करो, आप कम से कम अपने हैंगर में तीन मैक का अपग्रेड करके रखना। ओके सो अभी पढ़ते हैं फोर्थ नंबर ट्रिक की ओर। सो गाइस ट्रिक नंबर फोर्थ में क्या है, बी विथ योर टीममेट्स, मतलब कि गाइस आपको अपने टीममेट्स के साथ रहना है। अगर आप मतलब कि अकेले ही अगर पूरे मैच में ऐसे खेल रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही मर जाओगे, मतलब आप डिस्ट्रॉय हो सकते हो, इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप अपने टीममेट्स के साथ रहोगे तो आप मैच को ईजी से बहुत ही जल्दी मतलब किल कर सकते हो और आप बहुत ही ज़्यादा देर तक सर्वाइव भी करोगे। अगर आप कहीं भी ट्रक भी मारने जाते हो तो अपने टीममेट्स के साथ जाओ। ओके सो ये वाली ट्रिक तो आप समझ गए होंगे। तो भी बढ़ते हैं ट्रिक नंबर फिफ्थ की ओर। सो गाइस जो कि हमारे ट्रिक नंबर फिफ्थ में क्या है कि अगर आपके पास गाइस एरिस मेक है ना तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि गाइस एरिस मेक के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर आप उसको यूज़ करते हो। और एरिस मेक तो सभी फिलहाल सभी बंदों के पास होगा, आप लोगों के पास तो होगा एरिस मेक बिकॉज वो क्रेडिट से मिलता है तो सभी के पास होगा। सो उससे गाइस आपका फ़ायदा क्या होता है, फर्स्ट तो आपका ये होता है कि उसकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप उसका यही मैथ तो कर जाते हो तो भाई तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसको यही 16 के पावर के आसपास रखते हो 16-18 तो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बिकॉज अगर आप इतना कर लेते हो तो अगर आपका मतलब कोई बंदा आपको अटैक करने की कोशिश करता है, आपको मारने की कोशिश करता है तो उसकी जो कि हाफ बुलेट्स होती हैं मतलब आधी गोली कम से कम उसकी आपकी शील्ड को तोड़ने में ही चली जाती है। तो इससे आपका यही फ़ायदा होता है और भी आप उससे ज़्यादातर देर तक सर्वाइव भी कर सकते हो क्योंकि वो इतनी डिस्ट्रॉय नहीं होता बिकॉज उसकी हेल्थ ज़्यादा होती है ना। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बताना और ऐसी वीडियोस को मज़ेदार वीडियोस के लिए मतलब अच्छे अच्छे गेम प्लेस के लिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और ये वाला गेम प्ले पूरा देख के जाना। ओके सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस अभी न्यू वीडियो भी आएंगी, काफ़ी ज़्यादा धांसू वीडियोज़ आएंगी, सो उन वीडियो को वॉच करना मत भूलना, अभी आ जाएंगे न्यू वीडियो बस जल्दी। ओके। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities.
I see the blue eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who took my cars and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Thank you.